गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या जायसवाल। वेलकम करती हूँ अपने चैनल में आपका। आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ मोदी केयर वेल के कैल्शियम के डिटेल्स, यानी मोदी केयर वेल कैल्शियम के बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी देना चाह रही हूँ। आई होप आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज पहले बात कर लेते हैं हम कैल्शियम ज़रूरी क्यों होती है, कैल्शियम की ज़रूरत क्यों होती है हमारी बॉडी को, या हमें सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा जो बॉडी है वो क्या है, बेसिकली हड्डियों का एक ढांचा है, और उस हड्डियों के ढांचे में जितनी हड्डियां हैं अगर उनको प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिलेगा तो हम लोगों को कैल्शियम की बॉडी में कमी होनी शुरू हो जाएगी। आप जानते ही हैं जो 99% हमारे बॉडी का कैल्शियम है वो हमारी बोन्स में, यानी हमारे बॉडी की जितनी हड्डियां हैं उनमें तो होता ही है, और साथ ही में हमारे दांतों में होता है, और 1% कैल्शियम जो है वो हमारे ब्लड में होता है, यानी हमारे रक्त में होता है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर 1% कैल्शियम हमारे रक्त में नहीं रहेगा, या कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या होगा, जब भी हमें कभी चोट लगती है, हम कई बार बोलते हैं कि खून रुक नहीं रहा है मेडिकल सुपरविजन के बावजूद भी, तो उसका ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, यानी उसमें कैल्शियम जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो अगर हमारी हड्डियों में भी अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम प्रॉपरली कैल्शियम का डाइट नहीं लेते, हमारी डाइट में कैल्शियम नहीं होता है, तो क्या होता है, हमारी हड्डियों से कैल्शियम जो है वो निकल निकल के हमारे ब्लड में आने लगता है, तो हमारी हड्डियाँ जो है कमज़ोर होने लगती है, जिसकी वजह से आपको कंधों में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, इस तरीके की बहुत सारी परेशानी होती है, जिसको हम ऑस्ट्रोपीनिया की प्रॉब्लम भी कहते हैं। यानी कि अपनी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आपको प्रॉपर कैल्शियम का इनटेक बहुत ज़रूरी है। और आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग वैसे तो कोशिश करते हैं कि हम लोग अपनी डाइट में कैल्शियम को शामिल करें, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से अगर हम डाइट में भी कैल्शियम का प्रॉपर इनटेक करते हैं उसके बावजूद वो हमारी बॉडी में हेल्पफुल नहीं होता है, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से नहीं होता है। तो ऐसे कौन से रीजंस हैं, आज इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप जानते ही हैं हम लोगों का जो बॉडी का स्किन का जो हमारे कलर है, इसकी वजह से जो है सूर्य जो है वो हमें पूरी तरीके से आप कह सकते हैं विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन सूर्य के द्वारा हमारे बॉडी में नहीं हो पाता है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि हमारे देश में चाय पिलाने का बहुत प्रचलन है, तो आप जानते ही हैं चाय में कैफ़ीन होती है, तो कैफ़ीन की वजह से आप कह सकते हैं कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन थोड़ा रुक जाता है, हमारी बॉडी में पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। थर्ड मैं आपको बताऊंगी कि हमारे भोजन में कैल्शियम की पूरी मात्रा ना होना भी एक इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती है। और फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है, आप तो जानते ही हैं हमारे देश में डायबिटीज़ नाम की बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो डॉक्टर्स कई बारी डायबिटीज़ के चलते क्या करते हैं, हमारी ऐसी बहुत सारी खाने पीने की वस्तुओं को बंद करा देते हैं जिसकी वजह से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो सके, जिनमें कि कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो अगर इतनी कैल्शियम की कमी हमारे अंदर होगी तो आखिर में क्या होगा कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगेगी, उसको पूरा कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो कुछ हद तक कैल्शियम निकल निकल के हमारे ब्लड में भी मिक्स होने लग जाएगा, तो जो ऑस्ट्रोपीनिया की सिचुएशन है उसके बाद जो है ऑस्ट्रोपोरोसिस की वो सिचुएशन बन जाती है, जो कि एक बहुत ही भयानक स्थिति है हड्डियों के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है हड्डियों में बड़े बड़े छेद होने लगते हैं जिनका आकार बड़ा होने लग जाता है, और एक तरीके से हड्डियाँ जो है वो भुरभुरी होने लग जाती हैं, जैसे हम कहते हैं कि बुरके झड़ने लग जाती हैं। ये बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है, इस स्टेज में हड्डी का जल्दी से टूट जाना जो है वो बहुत स्वाभाविक है, यानी हल्का सा आपको चोट लगती है और आप कहते हैं हल्की सी लगी थी लेकिन हमारी हड्डी टूट गई, वो इस वजह से होता है क्योंकि आपकी हड्डी बहुत कमज़ोर होने लग जाती है। तो ये तो थी बेसिक कैल्शियम की डिटेल कि हमें कैल्शियम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब बात आती है कि अगर हम अपने खाने के द्वारा ही कैल्शियम को पूरा करें, तो कैल्शियम का भी एक क्वांटिटी है कि डेली आपको डाइट में इतना कैल्शियम लेना ही है, अगर वो पूरा होता तो आपको कैल्शियम की प्रॉब्लम होती ही नहीं, लेकिन उसकी कमी के कारण ही ऐसा है कि आपको कैल्शियम की कमी होती है। तो अब ये स्टेज आ जाती है कि हमारी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाते हैं, हमें लगता है हमारे हाथ पैर पीठ दर्द शुरू हो गया है क्योंकि हमारी बोन हो गई है
आप कह सकते हैं कमज़ोर हो गई है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, दर्द निवारक गोलियां लेनी शुरू कर देते हैं, पेन किलर्स, जो हमें एक कह सकते हैं कि बहुत टेम्परेरी बेसिस पे हमें पेन्स को रिलीफ देती हैं, लेकिन जैसे ही उसका असर कम होता है दर्द वापस आ जाती है। तो अब ये वो स्टेज आ जाती है जब आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए जान लेते हैं वेल का, मोदी केयर का, हमें कैल्शियम कॉम्प्लेक्स किस तरीके से मार्केट के बाकी सप्लीमेंट से और बाकी कैल्शियम की मेडिसिन से डिफरेंट है और किस तरह आपकी मदद करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें 6 इंग्रेडिएंट्स होते हैं बेसिकली, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जिसकी वजह से जो है हमारा कैल्शियम जो है एक भरपूर, आप कह सकते हैं पूरक आहार बन जाता है हमारे लिए कैल्शियम का। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगी, इसमें साइट्रेट मिलेट का आप कह सकते हैं सॉल्ट है, जो कि सारी कैल्शियम के सॉल्ट्स में सबसे बेहतरीन सॉल्ट होता है। मैं फ़र्क कैसे करके आपको बता सकती हूँ कि मार्केट में जनरली जो कैल्शियम अवेलेबल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसे हिंदी में हम चूना पत्थर भी कहते हैं। जिसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट वाला सॉल्ट लेते हैं तो जब भी हम वो गोली खाते हैं तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो डाइजेशन के लिए होता है, वो उसके साथ मिलकर आप कह सकते हैं एक तरीके से रिएक्शन कर देता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए बहुत बारी देखा गया है कि कैल्शियम का कोई भी आपको टैबलेट प्रिस्क्राइब करता है तो साथ में एसिडिटी की टैबलेट भी ज़रूर देता है, नहीं तो आपको इसकी वजह से एसिडिटी का प्रॉब्लम जो है नॉर्मली होने लग जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो इसका सिट्रेट मिलेट जो सॉल्ट इसमें ऐड किया गया है वो बेहतरीन सॉल्ट है कैल्शियम का, जिसकी वजह से आपके ये बॉडी में जाते ही तुरंत घुल जाता है। इसका आप एक डेमो करके भी देख सकते हैं कि कैल्शियम कॉम्प्लेक्स का एक टैबलेट जो है आप एक ग्लास ऑफ वाटर में डालेंगे, आप देखेंगे कि वो तुरंत ही घुलने लग गया है। तो जो घुल रहा है आपकी आंखों के सामने, तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत क्वांटिटी में मात्रा है, तो जैसे ही आप कैल्शियम को लेंगे तो वो साथ ही साथ आपकी बॉडी में बहुत अच्छी तरीके से घुलेगा, और जो घुलेगा वो डेफिनेटली काम भी ज़रूर करेगा। तो कैल्शियम मिलेट इसमें सॉल्ट डाला गया जो कि एक बेहतरीन सॉल्ट बना है और इसको वो बहुत स्पेशल बनाता है। सेकेंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो है विटामिन D2 है। तो विटामिन D2 बेसिकली क्या करता है, विटामिन डी आपको बाहर से अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें विटामिन D2 है। तो उससे बेसिकली क्या होगा, आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बहुत अच्छा होगा। जनरली क्या होता है, हम लोगों में 100 में से आप कह सकते हैं अगर 60% लोगों को कैल्शियम की कमी है तो 80% लोगों को विटामिन डी की कमी होती है, जिसकी वजह से हम डे टू डे लाइफ में जितना भी कैल्शियम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होता है, वो वेस्ट हो जाता है। तो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में इसमें विटामिन D2 डाला गया है, जिसकी वजह से जो इसमें कैल्शियम है वो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। थर्ड मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें विटामिन के है। विटामिन के क्या काम करता है, जैसा मैंने अभी आपसे शेयर किया था कि इसमें 1% जो है कैल्शियम हमारे ब्लड में होता है, तो हमारी आर्टरीज में किसी तरीके से कैल्शियम की जो है आप कह सकते हैं कि रुक ना जाए कहीं पे किसी तरीके की क्लॉटिंग ना हो जाए कैल्शियम की, तो विटामिन के उसमें बहुत मदद करता है। यानी विटामिन के क्या करता है, बेसिकली आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन तो अच्छे से होता ही होता है, प्लस आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। यानी कि ये उस आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है और आपका कैल्शियम का भी काम पूरा होता है इसकी वजह से। फोर्थ मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का बेसिकली काम क्या है कि यह आपके बोन के स्ट्रक्चर को बिल्कुल ठीक ठाक और अच्छा रखता है। यानी बोन के जो आपकी संरचना है, जो आपकी हड्डी की संरचना है, उसका पूरी तरीके से ध्यान रखता है। कई बार हमें ऐसी शिकायत सुनने में भी आती है कि कैल्शियम कम या ज़्यादा होने की वजह से बॉडी में जो है हड्डी का आप कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर है वो कुछ टेढ़ा हो गया है। तो आप मैग्नीशियम इसमें भरपूर मात्रा में है, जो कि आपके हड्डियों की जो संरचना है, जो बॉडी का आपका हड्डियों का बोन का जो स्ट्रक्चर है उसको डेफिनेटली मेंटेन रखेगा। फिफ्थ मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें है जिंक अमीनो एसिड चिलेट। जिंक अमीनो एसिड जिंक फैमिली का ही एक जिंक अमीनो एसिड है जिसका नाम है चिलेट, जो कि इसमें डाला गया है, जो कि ओवरऑल आपके पेट से संबंधित परेशानियों को, जिस कई बार हम लोग कहते हैं हमें ये सूट नहीं कर रहा है, हमें खाने से पेट में तकलीफ़ हो रही है, या हमारा इम्यूनिटी सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे से हमें डाइजेस्ट होता है, तो इस चीज़ में ये हमारी बहुत मदद करता है। हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन जो है उसमें बहुत हमें अच्छा रखता है, आप कह सकते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन को सुचारू
सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। और सिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ नई फॉर्मेशन के साथ इसमें आया है, दैट इज सेसेस क्वाड्रेंगुलारिस। ये एक तरीके का मेडिकल आप कह सकते हैं पौधा है, जिसकी खेती अफ्रीका में और एशिया के बहुत सारे देशों में की जाती है, और इसका बहुत अच्छे से जो है इस्तेमाल किया जाता है बोन हेल्थ के लिए, इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली क्या करता है, हमारी बोन हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, और हमारी जो हड्डी टूट गई है, हमारी फ्रैक्चर्ड बोन है, उस पर भी बहुत अच्छे से काम करता है, हीलिंग का काम बहुत अच्छे से करता है बोन के साथ, और साथ ही साथ हमारे लिगमेंट्स पे और टेंडोंस पे बहुत अच्छे से काम करता है। अब आप कहेंगे कि लिगमेंट्स और टेंडोंस बेसिकली क्या है, तो जो ऐसे फाइब्रस टिश्यू जो हमारी बोन को बोन के साथ जोड़ के रखते हैं, या हमारी बोन को जो मसल के साथ जोड़ के रखते हैं, उन टिश्यूज पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये इसके 6 ऐसे कुछ हमारे ज़रूरी आप कह सकते हैं इसमें एड ऑन्स हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे इन्ग्रीडियंट्स हैं ये सारे 6 के 6, जो कि कैल्शियम कॉम्प्लेक्स को बाकी सारी कैल्शियम से अलग बनाते हैं। तो ये तो बात हो गई बेसिकली कि कैल्शियम क्या है, क्यों ज़रूरी होता है, और मोदी केयर जो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है वो मार्केट की कैल्शियम कॉम्प्लेक्स से कैसे अलग है। अब कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैल्शियम किसे लेने की ज़रूरत है। कैल्शियम हर एक उस इंसान को लेने की ज़रूरत है जिसका आप कह सकते हैं जिसके बॉडी में पेन्स रहते हैं, जिसको ये पता है कि हाँ उसके बोन्स वीक हो रही हैं, और आप तो जानते ही हैं लेडीज़ में कैल्शियम की कमी ज़्यादातर पाई जाती है, क्योंकि लेडीज़ को कैल्शियम का क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होता है। अगर मैं MG के अकॉर्डिंग बताऊँ तो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की एक टैबलेट में 250 mg सॉल्ट है, आप कह सकते हैं कैल्शियम है, और एक दिन में लेडीज़ को अगर मैं कहूँ 25 साल से लेकर ऊपर की जो लेडीज़ हैं उनको 1200 से 1400 के बीच में MG डेली कैल्शियम चाहिए होता है। तो अगर आप इसकी एक दिन में 2 टैबलेट्स का डोज़ है, एक समय में एक ही लेनी है, 1 टैबलेट ट्वाइस डेली, तो अगर मैं सुबह और शाम इसका एक एक टैबलेट लेती हूँ, तो मोटा मोटा मैं कह सकती हूँ मुझे 500 mg जो है सप्लीमेंट से ही मिल रहा है, और बाकी जो है मेरे खाने पीने से मैं पूरा कर रही हूँ कैल्शियम। तो मैं एक आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बोन हेल्थ पा रही हूँ। और इसी तरीके से बच्चों में लगभग 900 mg की ज़रूरत होती है कैल्शियम की, और अगर मैं मेल्स में बात करूँ तो लगभग आप कह सकते हैं 600 mg की ज़रूरत होती है। तो बाकी सबके मुकाबले आप कह सकते हैं लेडीज़ को कैल्शियम की कमी ज़्यादा रहती है, तो लेडीज़ को डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। मैंने ऐसा भी सुना है गायनाकोलॉजिस्ट की स्टडीज से कि एक साल में 12 महीने में लगभग आपको 5 से 6 महीने कैल्शियम सप्लीमेंट डेफिनेटली लेना चाहिए हर एक लेडीज़ को, ताकि उनकी हेल्थ जो है, जो उनकी बोन हेल्थ है, वो बहुत अच्छी रहे। आने आगे बढ़ती हुई एज के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, मोनोपॉज की स्टेज में तो आपके बॉडी में पेन्स जो रहते हैं वो इसकी वजह से आप बिल्कुल ठीक रख सकते हैं, अगर आप राइट टाइम से राइट एज से स्टार्ट करते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट तो। और ये पूरी तरीके से घुलता है और एक तरीके से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो इसका आपको किसी तरीके से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जैसे कि कहा जाता है अगर सही समय में अपने बैंक में हम सेविंग्स कर लेते हैं, तो हमें आगे आने वाले हमारे टाइम पे, आगे हम आने वाली हमारी एज में वो हमारे काम आता है। इसी तरीके से आपकी बॉडी भी एक बैंक है, जितना आप कैल्शियम इसमें डिपॉजिट करेंगे आपकी बढ़ती उम्र के साथ वो आपका बहुत ध्यान रखेगा। तो आप कैल्शियम का इंटेक अच्छा रखेंगे तो आपकी बॉडी में जो ये नॉर्मली पेन्स रहती हैं वो मैक्सिमम आपकी कैल्शियम की कमी के कारण रहती है, तो आप उससे निजात पा सकते हैं, और अपने आने वाले जो आगे आपकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक जानकारी थी। अब मैं बता दूं कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में टैबलेट्स कितनी हैं। इसमें 60 टैबलेट्स हैं और इसका MRP है 466 रुपीस। एक दिन में अगर आपको 2 टैबलेट्स लेनी है तो यानी आप मान लीजिए ये आपका 1 महीने का डोसेज इसमें अवेलेबल है। आप इसको रेगुलर लें तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट ये देगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 12 महीने में से आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 से 6 महीने तो मिनिमम आप कैल्शियम कॉम्प्लेक्स को डेफिनेटली लें एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो ये थी आज की मेरी पूरी जानकारी मोदी केयर वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट करके जान सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।